ब्रेक बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। बिहार के लोगों के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है, क्योंकि उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला बेगूसराय में मौजूद एकमात्र पुल राजेंद्र सेतु पर 2 दिसंबर से गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो सकती है। दरअसल राजेंद्र सेतु की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसको देखते हुए रेल प्रशासन ने NHAI को पत्र लिखकर सड़क परिचालन पूरी तरह बंद करने का निर्देश दिया है। पुल की जर्जर स्थिति और गाड़ियों के परिचालन बंद होने की बात सामने आने के बाद स्थानीय लोगों, ट्रांसपोर्टरों और व्यवसायियों में हड़कंप मचा हुआ है। अगर पुल पर आवाजाही बंद हो गई तो लाखों लोगों की जिंदगियां थम जाएंगी। दरअसल रेल प्रशासन ने NHAI को पत्र लिखकर सड़क परिचालन रोकने का निर्देश दिया है, लेकिन आम लोगों की समस्याओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने 2 दिसंबर को NHAI और रेल प्रशासन के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई है। अब बैठक के बाद ही ये फैसला होगा कि पुल पर सड़क मार्ग के लिए जाने वाली गाड़ियों का परिचालन जारी रहे या बंद कर दिया जाए। 1959 में राजेंद्र सेतु का निर्माण कराया गया था। निर्माण के समय से ही इस पुल की देखरेख में प्रशासनिक लापरवाही की बातें सामने आती रही हैं। लेकिन हाल के दिनों में जर्जर हो चुके इस पुल पर कई बार सड़क मार्ग से गाड़ियों के परिचालन को रोका गया और पुल की मरम्मत के नाम पर करोड़ों रुपए की राशि खर्च की गई, लेकिन मरम्मत के बाद महज 6 महीने के अंदर ही दोबारा पुल जर्जर हो गया है। NHAI का कहना है कि यदि पुल पर वाहनों का परिचालन बंद नहीं किया गया तो इसका कोई हिस्सा कभी भी टूट सकता है। इस पर बाइक और ई रिक्शा को छोड़कर किसी भी प्रकार का वाहन चलाना खतरनाक है। अठारह टन से भारी वाहनों का परिचालन इस पुल पर मुमकिन नहीं है, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही और सही देखरेख नहीं होने की वजह से इनकी लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही थी, जिसका असर अब शायद लोगों को भुगतना पड़े। अगर राजेंद्र सेतु पर परिचालन बंद हो जाता है तो इसका प्रभाव बरौनी रिफाइनरी पर भी पड़ेगा और पेट्रोल डीजल सहित गैस की किल्लत भी पूरे बिहार की जनता को भुगतना पड़ेगा। स्थिति में उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार आने के लिए वाहनों के पास गांधी सेतु और JP सेतु का ही विकल्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार।